नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज है वेडनेसडे और आज हम वर्सियो के साथ जाने वाले हैं। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, कल तीन कार्ड्स आ गए थे और एक दिन में तीन चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये क्लियरिंग्स के काम है और इसको स्लोली लेना चाहिए। तो हमने डेडिकेट किया है आज का दिन इसके थर्ड कार्ड के लिए। वेडनेसडे का कार्ड जो अभी फ्रेश कार्ड है वो हम कल ही निकालेंगे और इसी को लेंगे एज वेडनेसडे का कार्ड। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि वर्चू में हम लोगों को क्या पढ़ने को मिलता है और हम लोगों को क्या काम करने को मिलता है। ठीक है, यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट एनकरेज अदर्स टू ग्रो। ठीक है, मतलब आपको स्पिरिचुअल एवोल्यूशन करना है, आपको ऐसा करना है कि लोग आपको रोल मॉडल की तरह देखें। ठीक है, तो आपको जो है अपने स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स को बढ़ाना है और दूसरों को गाइडेंस देने के कंडीशन में आना है बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप कोई स्पिरिचुअल कोर्स ले सकते हो। ठीक है, आप कोई मेडिटेशन का कोर्स ले सकते हो, तो आप सीख सकते हो कि कैसे किया जाता है, ताकि आपको वो जो है आप इवॉल्व हो एज अ पर्सन जो दूसरों को गाइड कर सके। जैसे हम अब आपको गाइड कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, वैसे आपको भी गाइड बनना है और दूसरों की हेल्प करनी है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म काम है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे कि ये ओवरलाइंग ऑब्जेक्टिव होगा हमारा आज से। तो हम कुछ मेडिटेशन या कुछ ऑनलाइन मेडिटेशंस देखेंगे, मैं आप लोगों के लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकती हूँ, डाल दूँगी मैं। वैसे एक सिंपल सा म्यूज़िक मेडिटेशन जिसमें आप आँखें बंद करके डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, तो जिसके वजह से आपको जो है पीसफुल और अच्छा, और आप एवोल्यूशन करेंगे मेडिटेशन में, शांत होंगे, अच्छा फील करेंगे और फिर इन द एंड आप लाइट बनोगे जो दूसरों को गाइड करते हैं। तो हम आज के बाद ये 44 डेज कंप्लीट होने के बाद हम उस चीज़ पे काम करेंगे कि हम दूसरों को गाइडेंस कैसे दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, हम सेल्फ, अब हम हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी को असेंशन करने के लिए काम कर रहे हैं, फिर हम आगे हमारे ऊपर काम करेंगे। क्योंकि अगर हमने हमारे ट्विन फ्लेम के ऊपर असेंशन सीरीज़ के ऊपर काम नहीं किया तो, और हम खुद पर काम करने चले गए, हमारा सारा ध्यान इसी पे रहेगा और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमारा जो आगे का सीरीज़ होगा वो होगा खुद पे काम करने के लिए, बस टू डेवलप सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस और ये सब। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले दिन। तब तक आप इस वर्चू के ऊपर काम करना चाहते हैं अगर, तो मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए रोज़, 15 मिनट अपने आप अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए म्यूज़िक के साथ, फिर शांत बैठे रहिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। और बेस्ट तरीका है कि अगर आप अपने थॉट्स को डायरी में लिखें, तो एक डायरी मेंटेन कीजिए, उन थॉट्स को उसके अंदर लिखिए और फिर वो जो डायरी है, लॉक वाली डायरियाँ मिलती है तो वो बहुत ईजी अच्छी रहती है, आप अपना लिखो उसको लॉक कर दो, तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि किसने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा उससे, आप उसको हाइड करके रख सकते हो। फिर जब आपका वो हो जाए डायरी, तो वो कंप्लीट, तो आप उसको जा कर के उसके लॉक अलग, डायरी अलग, उसको जा कर के दरिया में डाल दीजिए। ठीक है, तो आपको वो थॉट्स तब तक लिखते जाने हैं और उसको आप उनको लिखिए पहले और फिर उनको रीड कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी है और कितने चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या करना है। अपना थॉट्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक टॉपिक के ऊपर सोचिए और अपने थॉट्स उसके ऊपर लिखिए उस डायरी में, उसको लॉक कर दीजिए थोड़े जब आपका, और उसको रीड करके लॉक कीजिए। तो ऐसे 40 डेज हो जाएंगे तो आपको आपके थॉट्स देखेंगे, आपकी कितने नेगेटिव है, क्या सोचते हैं आप, क्या चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट नहीं, आपके ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट नहीं करने देती। तो ये आज के लिए था वर्च्यू, मेडिटेशन एंड डायरी। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर तब तक के लिए फिर मिलेंगे कल की रीडिंग में, बाय बाय।